दोस्तों, इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं खेती में इस्तेमाल होने वाली कुछ जबरदस्त मशीनों के बारे में, जिनके काम को देखकर आप पूरी तरह से हैरान रह जाएंगे। तो चलिए बिना किसी देरी के आज की ये धमाकेदार वीडियो शुरू करते हैं। नंबर एक, फ्लैम वेडिंग। इस तरह की मशीनों का इस्तेमाल खेतों में नई फसल बोने के ठीक पहले किया जाता है, क्योंकि फसल काटने के बाद उनके अवशेष और कई तरह की घास फूस जमीन में रह जाती है, तो उन्हें पूरी तरह से नष्ट करने के लिए इस फ्लेम वेडिंग प्रोसेस का इस्तेमाल किया जाता है। इस फ्लेम बिल्डिंग प्रोसेस में मिट्टी के ऊपर फ्लेम द्वारा हीट डाली जाती है, जिससे मिट्टी में मौजूद मॉइस्चर तुरंत ही खत्म हो जाता है और सारी हरी घास इसमें डेड हो जाती है। ऐसा करने से नई फसल के साथ कोई और घास नहीं उगती। नंबर दो, ट्री मूवर मशीन। दोस्तों, क्या होगा अगर आप सुबह उठो और आपके घर के सामने रातों रात एक बड़ा सा पेड़ पैदा हो जाए? चाचा, यकीन मानिए, फट के चार हो जाएगी। वैसे ये काम पॉसिबल बनाती है ये डचमैन इंडस्ट्री की बनाई ये मशीन, जो कि पेड़ों को यहाँ से उखाड़ के वहाँ गपकने के लिए डिजाइन की गई है। देखिए, इसमें लगी होती है बहुत ही शार्प एजिस वाली ब्लेड्स, और इसे जमीन खोदने की शक्ति देता है इसमें लगा शक्तिमान हाइड्रोलिक कंप्रेसर। आप देख सकते हो कि कैसे ये ब्लेड्स जमीन में घुस रही है। फिल तो ऐसा होता है मानो मक्खन में कोई चप्पू पेल रहा हो, तो ऐसे आखिर ये मशीन पेड़ को इतने इजीली उखाड़ लेती है। अब बारी आती है इसे मीलों दूर दूसरी जगह प्लांट करने की, तो इसके लिए यही मशीन पहले तो वहाँ गड्ढा कर देती है और अब ऐसे मामा के गाँव से लाइव पेड़ को यहाँ लगा देती है। भाई लोग, मजा आ रहा हो तो लाइक ठोको, सब्सक्राइब दाबो और ये देखो अगली मशीन। नंबर तीन, फेंस आइलियर 90। दोस्तों, किसानों को एक फसल उगाने के बाद उसे काटना काफी मुश्किल भरा काम होता है, जिसको काटते काटते कई बार महीनों बीत जाते, लेकिन अब ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा, क्योंकि अब आ गई है हार्वेस्टर मशीन, जो फसल की कटाई को कुछ ही घंटों में पूरा कर देती है। ये किसी नॉर्मल हार्वेस्टर मशीन से काफी बड़ी है, जिसकी वजह से ये एक बार में काफी ज्यादा मात्रा में फसल को काट देती है। इस मशीन के आगे लगा है ये बड़ा और लंबा हार्वेस्टर, जिसकी तेज धार वाली ब्लेड्स सभी फसल को आसानी से और जल्दी काट देती है। ये मशीन फसल को केवल काटती ही नहीं, बल्कि इस पाइप के जरिए फसल की दूसरी ट्रॉली में स्टोर भी कर देती है। और दोस्तों, इसे ही बोलते हैं स्मार्ट वर्क, जो किसानों का कीमती समय बचाती है। नंबर चार, दोस्तों, यहाँ पर मक्का की हार्वेस्टिंग काफी ट्रेडिशनल तरीके से की जाती है, जिसमें काफी मजदूर और टाइम लग जाता है। ऐसे एक एक करके हजारों भुट्टे तोड़े जाते हैं। ये है कॉर्न हार्वेस्टिंग मशीन। दिखने में जितनी दीप्त्याकार है, काम भी उतना ही काबिले तारीफ। देखिए कैसे बड़े से बड़े खेत की मक्का फसल को चंद मिनट में ही रफा दफा करके साफ कर देती है। दोस्तों, इसकी एडवांस टेक्नोलॉजी भुट्टे तो अलग ट्रोली में जमा तो करती है, साथ ही बाकी बेस्ट का चारा भी अपने में जमा कर लेती है। इसके साथ ही साथ ये फसल की खेती भी कर देता है। नंबर पाँच, दोस्तों, अब देखते हैं गाजर की हार्वेस्टिंग मशीन। धरती की गोद में लगने वाले इस फल की खेती, चाहे इंडिया हो, पाकिस्तान हो या अमेरिका, हर जगह इसकी खेती की जाती है, लेकिन हमारे देश में इसकी खेती यूरोपियन कंट्रीज से कितनी पीछे है, यह आप इस वीडियो को देखकर अच्छे से समझ आ जाएंगे। तो ये है कैरेट हार्वेस्टर मशीन, जो गाजर को जमीन से निकालने से लेकर हार्वेस्टिंग और सफाई भी खुद ही कर देता है। हमारे देश में की जाने वाली हार्वेस्टिंग काफी पुरानी पद्धति की है और काफी टाइम और बहुत सारे मजदूर इसमें लग जाते हैं। लेकिन बात की जाए इस मॉडर्न मशीन की, तो इससे बड़े से बड़े खेत की हार्वेस्टिंग के लिए मात्र दो से तीन लोग ही लगते हैं। ये मशीन कुछ ऐसे जमीन से गाजर को उखाड़ती है। गाजर उखाड़ने के साथ साथ एक स्मार्ट कटर इनके एक्स्ट्रा भाग और पत्तों को काट कर चारे के रूप में अलग कर देता है। एक कन्वेयर बेल्ट इन साफ किए हुए गाजर को ऊपर की ओर बढ़ाता है, जहां से सारे गाजर एक बड़े से कंटेनर या ट्रोली में जमा होने लगते। एडवांस फीचर्स लेस ये आधुनिक स्टीयरिंग से कुछ कंट्रोलिंग बटन के साथ साथ एक डिजिटल डिस्प्ले भी होता है, जो ये देखता है कि मशीन के पहिए फसल को कहीं नुकसान तो नहीं पहुंचा रहे। अब जब ट्रोली पूरी तरह से भर जाए, तो अब बारी आती है इन्हें डब्बों में ऐसे खाली करने की, और फिर इसे इस प्रकार अच्छे से साफ किया जाता है और फिर उसे बेचने के लिए आगे भेजा जाता है। नंबर छह, ऑटोमेटिक मशीन। जब बात होती है भारी मात्रा में छोटी और हरी सब्जियां काटने की, तो उसमें काम आती है ये ऑटोमेटिक मशीन, जो काफी लाभदायक मशीन है।
इस मशीन से छोटी हरी पत्तियां वाली सब्जी और पालक को काटा जाता है। इस मशीन में आगे वाले हिस्से में हार्वेस्टर लगाता है और जो अपने अनोखी ब्लेड्स की वजह से सभी सब्जियों को आसानी से काट देती है। दोस्तों, यहां तक कि यह मशीन सब्जियों को बस काटती ही नहीं बल्कि अपने इस स्लाइडिंग कूली की मदद से इन्हें काट कर ऊपर भी खींच लेती है, जहां पर मौजूद सभी वर्कर इन्हें इकट्ठा कर लेते हैं। और इस मशीन की वजह से स्टोरेज में भी काफी आसानी होती है और किसानों का कीमती समय भी बच जाता है। तो दोस्तों, आपको इनमें से कौन सी टेक्नोलॉजी सबसे ज्यादा अच्छी लगी हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताएगा। और अगर आपके वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करेगा, शेयर करेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों तक, और ऐसी ही और भी रोचक जानकारियों के लिए सब्सक्राइब करें हमारे यूट्यूब चैनल को और फेसबुक पर फॉलो करें हमारे पेज को। धन्यवाद।